वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों सिंपल सवाल, देखो मार्च का महीना है, रणबीर कपूर का एक फिल्म आ रहा है, तू झूठी मैं मक्का, रोम कॉम है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक हिट बन सकता है कि नहीं? क्या वो हिट जो हम ढूंढ रहे हैं, जो शायद फरवरी के महीने में नहीं मिला, पठान ने दिया, जनवरी के महीने में डिलीवर किया उन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट, लेकिन फरवरी कोई उतना बड़ा धमाका कर नहीं पाया कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर। तो क्या वो धमाका जो मिसिंग था फरवरी में, वो हमें मार्च के महीने में देखने मिलेगा? क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी ये एक ऐसा जॉनर है जो काफी मतलब पॉपुलर है, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच में, एंड काफी टाइम के बाद एक रोम कॉम आ रहा है। और अगर आप तू झूठी मैं मक्कार की बात करो, तो जो सॉन्ग्स वगैरह है वो काफी पॉपुलर हो चुका है, वो डांस मूव्स काफी पॉपुलर हो चुका है, इट्स कॉट ऑन वेरी वेरी नाइसली, एंड ऑफकोर्स द ट्रेलर वॉज ऑल्सो वेरी वेल रिसीव्ड। सो विल द फिल्म पुल इन ऑडियंस, पुल इन फुटफॉल्स, बिकम अ ब्लॉक बस्टर हिट? ओपनिंग कितना रहेगा, सस्टेन कितना करेगा, एंड देन ऑफकोर्स पठान जितना तो नहीं, पठान जितना बनेगा तो यार ऑब्वियसली हु डजेंट वॉन्ट एवरी फिल्म टू बिकम अ ब्लॉक बस्टर लाइक पठान, बट ऑफकोर्स क्या लगता है दोस्तों, एक प्रॉपर सुपर डुपर हिट देन देन अ ब्लॉक बस्टर मेगा हिट बन पाएगा कि नहीं तू झूठी मैं मक्कार? अब तक जितना बज है, जितना हाइप है, उसके चलते आपको क्या, आपके मन में क्या फीलिंग आ रहा है, आपको क्या लगता है, आपका टेक लिख कर बताइए, एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।